एक पासपोर्ट पानी में गया छपैक। 3 बजे की मेरी फ्लाइट है दुबई की। तू कसम खुदा की अजीब बन रहा है। तूने अभी अभी ODE ड्रोन GT फेंकी। यार आज जो है ना बड़ा फुल तूफानी किस्म का बाहर दिन बना हुआ है और आज रात 3 बजे की मेरी फ्लाइट है दुबई की। मैं आज रात को जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। कल मैं अल्लाह के फजल से दुबई में हूँगा और वहाँ पर मेरा दिल है कि मैं 4 से 5 दिन जो है वो स्टे करूँगा, क्योंकि मेरे वो फैमिली रिलेटिव्स भी कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद 4-5 दिन है सिर्फ, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए मैनेज करना। और ख़ासकर अगर मैं एक सेमी बिजनेस टूर पर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दो बंदों से मिलना है उधर, एक दो दुबई में कुछ रियल इस्टेट के काम है जिनको हम लोग देख रहे हैं आगे। देखते हैं इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो 4-5 दिन में कैसे मैनेज करते हैं। मैंने दिखाया 4-5 दिन का खुद इसलिए क्योंकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में यहाँ की जो है वो फिर चाल बनानी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गोकू दोनों इधर आना। यार बैठो 2 मिनट, मुझे कुछ बात करनी थी आपने। कैसे हो? दोनों ठीक हो? ठीक मज़े में। यार मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का दुबई का हो जाए। थोड़ा सा इशू ये बना हुआ है कि दुबई वाले जो है ना इस वक्त वो जितने भी यंगस्टर्स हैं गैर शादीशुदा हैं या 40 साल से जो नीचे एज के हैं लोग, उनको विजिट वीजा इशू नहीं था। यार मेरा वीजा तो ये रहा, इन लोगों का 2 बार रिजेक्ट हुआ है, क्या करूँ? दुबई की थोड़ी सी पॉलिसी जो है वो पाकिस्तानियों के विजिट वीजा के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई। कह रहे हैं हमने इतने घर में वो शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी, वो पासपोर्ट जमा करते हैं कि हफ्ता लगाया पूरा मैंने, और फिर से तो मैंने कच्चे भी ले लिए थे कि बीच पे पैरों में रंग भर गए। ये आज मेरा बीच। सर जी आपने तो सारी उम्मीदों में पानी फेर दिया। तलाक खाली जुबान वाले तेरी बदवा लगी है। यार कच्चे कौन सा तेरे, सर दुबई जाके फिट होते हैं, कच्चे तो इधर भी पहन के घूम सकता है। सर मेरा भी एजेंट हो गया। यार मैंने टोपी उन्हें अल्लाह की कसम तुम लोगों को पता है जितने मैं कोशिश कर सकता था मैंने उतनी की है, जितने घोड़े दौड़ा सकता था मैंने दौड़ाए। 3 बार तुम लोगों की जमा करवाई है, फीस भी जाया गई है, रिजेक्शन मिल गया 3 बार। अब मेरे लिए वहाँ पर ऐसा कोई इंट्रैक्शन कोई रह नहीं गई कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन अब मैंने कहा कि मैं तुम लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दूँ कि यार अभी मुझे क्या करना चाहिए, तुम लोग क्या करते हो? लेकिन तुम लोगों का वीज़ा यार मैं तुम लोगों के मुंह से ये बात सुनना चाहता था। मैं पता क्या मैं मतलब ये चीज़ सोचता हूँ कि सरदार लोग वापस आ गए हैं, तुम लोग भी नहीं जा रहे, मैं उधर अकेला स्विमिंग पूल में यार क्या करूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि यार इनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मुझे भी अफसोस है, लेकिन अब इनके चक्कर में मैं अपना वीज़ा तो नहीं ना रिजेक्ट कर सकता। भाई तुम लोग ना भी जाओ ना तो मैंने तो जाना है, मैंने तो सोचा हुआ था कि भाई अगर इनका नहीं करता तो मैं तो जाऊँगा। क्या 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 आपने डिसाइड किया था? कारा रशियन थाईलैंड और क्या क्या था? तुम लोग जाओ ना जाओ मैं तो जाऊँगा भाई। सर जी क्या कह रहे हैं, हम आपको यहाँ पे एहसास कर रहे हैं और आप हमारे चेहरे ले रहे हैं, छोड़ें यार। सर आप सीधा सीधा जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं कि नहीं जाना। सर वाकई में कोई चांस नहीं है। दौरीद भाई अगली बात सही। यार मेरा दिल कर रहा है सुबह सुबह ना हम दिन को चार्ज करने के लिए ना वहाँ से शुरू करते हैं। एक मछली एक पासपोर्ट पानी में गया छपैक। कौन सी? Hey guys, what's up? We are in Dubai. ये कौन सी जगह यार? Man, Jumeirah bro. Jumeirah में भी बाइकी वाले खड़े हैं bro. वो बुर्ज खलीफा bro. बुर्ज खलीफा देखो यार. इसको इंटरनेट पे पोस्ट कर ले, इसको पोस्ट कर दे, मजे की है वैसे भी। ये टिकटॉक बनाया इसकी, सही बात है। वैसे भी तेरी लास्ट कुछ टिकटॉक भी अच्छी नहीं चल रही थी। महेश सर कह रहा था कि ग्रीन स्क्रीन लगा के ना तो मैं बीच में लेट लेट क्यों जी क्या करनी है? ये जान अच्छी लग रही है, अच्छी का मतलब ये नहीं है तुझे घड़ियों की तरह से शौक पड़ गया, मैंने तुझे सारी जिंदगी कभी घड़ी पहनते हुए नहीं देखा। ना पहन गया तो अच्छी लगती है, पता नहीं अच्छी लगने लगी बस थोड़ी देर नहीं चाहिए। यार सर के पास एक ब्लू कलर की वॉच थी, मुझे बड़ी पसंद। क्या यार तुझे मतलब क्या शौक है तुझे 2 मिनट के लिए दे दे 2 मिनट के लिए? शाम भी पता है कि बार शर्त लगी है सबके साथ, वो कहते हैं कि शाम भी तुझे घड़ी नहीं देंगे। मैंने कहा मेरे भाई हैं क्यों नहीं देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ बस टोरा एक मिनट। बच्चे यार हर चीज़ नहीं होती यार देने वाली। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं भाई, तुझे समझाना भी जो है ना दीवार का टक्कर मारने वाली बात है, क्या करेगा शाम छोटा भाई हूँ आपको थोड़ी देर सिर्फ दौड़। कोई आ नहीं दे रहा कसम खुदा कि तू इधर बच्चों की तरह चीज़ें लगा रहता है। ओए बहुत ध्यान से इस घड़ी का, मैं पहले बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से पहनना। मैं इसको मना भी कर रहा हूँ कि ना लेके जा, क्या करेगा बच्चा है तू, लेकिन अब्दुल्ला तो फिर अब्दुल्ला है। सुना कैसा?
ठीक हूँ यार। क्यों टाइम तो कब गया? टाइम तो 12 हो गए। तू अपना मोबाइल देख रहा है? तेरे पास मोबाइल नहीं? घड़ी बंदे मोबाइल नहीं देखते हैं। देख घड़ी, देख भाई ने घड़ी ली है। घड़ी मिल गई कहाँ से? ये कब ली है तू यार? बस दो तीन डीलें मारी हैं, देख ले। सुबह तक तो तेरी कोई डील नहीं थी, ये कहाँ से आ गई? अभी ऑर्डर करवाई है और अभी अभी आई है। ओए सन, ऐसे शापर फाड़ रहे हैं। ओए शापर, इसकी डील नहीं हो रही, मुझे लग रहा है शापर ही फाड़ रहा है। ओ भाई जान, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तू छोड़ दे बस इसकी बातें। सुना कर छोड़ दो, काम करेगा ये। चेक करो एक कहाँ से उठाई है? तो सर की घड़ी है, शान में गिफ्ट की है ना यार। ओ भाई पागल, तुम इतनी कीमती चीज़ों का मजाक नहीं किया करो सर। भाई दो मिनट की मेरी खुशी है यार, क्या वापस कर दो? इतनी कीमती चीज़ों का मजाक नहीं, जाओ वापस कर जाओ। ओए अपनी अपनी घड़ियाँ संभाल के रखो। इन सड़ियल लोगों को दो मिनट की मेरी खुशी रास नहीं आई। उतर गया अशोक बच्चों की तरह जिद करता है, गिरा दिया इसको, जाके बैठ जा। मैंने कसम से जान पूछ के नहीं गिराई, हाथ से फिसल गई थी। अब मुझे पता है मेरी सॉरी नहीं चलेगी। ओ यार देख सु यार, जीप बच्चों वाला काम किया सु यार, देखते हुए घड़ी नीचे फेंक दी। सर्दी कहीं स्क्रैचेस जरूरत नहीं लगी? सर आप देते ही ना, सर को पता है बच्चे है वो। ओ भाई मेरे उधर कसम से सुबह से आगे पीछे पड़ा हुआ, मिनते कर रहा था कि भाई दे दो भाई दे दो भाई दे दो, भाई नहीं है प्लीज। सर उसे क्या पता, इतनी कीमती पार्टी फ्लिप की घड़ी है, बच गई है कोई लग को नहीं रहा गई भी। देखे ना रोशनी में रखी? नहीं सर बच गई है। स्क्रैच तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं स्क्रैच। शुक्र है यार, बस ठीक है सही। एंड तो दोबारा ये मंगे भी ना थे मैंने उन्होंने। मैंने समझाया सर। कोई ठीक है ओके सॉरी यार, कोई तबाहकुन किस्म की मुझे भूख लगी यार, मुझे समझ नहीं आ रही है आज मैं खाऊं क्या। मैंने घर से भी आज खाना नहीं मंगवाया, तो मेरा यही था, मैंने कहा चलो यार कोई बाहर से कोई लेके खाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल क्लूलेस हुआ हूं। मतलब खान दुला के सर वो लंच ब्रेक हो गई ना, खाना खाएंगे। कुछ खा तो नहीं है? नहीं सर आए तो मैं थोड़ा समझा। नहीं नहीं कुछ कहीं ना तू, बच्चा छोटा उसको कुछ ना कहीं जान दे। खैर बच्चा कुछ नहीं हुआ, बच्चा तो हो गया, फिर उनके आ गया होगा, यानी उन्होंने तंग करिए। तो यार बस अभी मैं ये सोच रहा हूं क्या खा रहा है आज। सर मैं तो स्टेक मंगवा रहा। कहाँ से मंगवा रहा है? स्टेक हाउस से मंगाया था। अच्छा चबा ठीक है सही है, यार मेरे पास ही मंगवा रहा, जो मंगवा दो दो कर यार। टाइम बड़ा शॉर्ट है और मुझे अभी तैयारियां करनी है, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है और मुझे लग रहा है कि रात की है। सो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो दिरम शरम कोई चेंज करवा लें। कितनी इजाजत होती है? 10,000 दिरम की इजाजत होती है? कितनी की? 5,000 दिरम की। नहीं यार तू कभी दुबई गया? चल हट हट जेडी। ब्रो ये दुबई में कितनी आप करेंसी बाय कैश लेके जा सकते हो साथ? विजिट के लिए 1,000 से कम नहीं, क्योंकि अच्छा। विजिट पे बंदा घूमने पे नहीं जाता। फिर आजम भाई ये काम करें ना, एक चेक जो है ना वो निकालें ना, कैश करवाएं, बच्चों को किसी को भेजें ना। तकरीबन जो है 10-1 लाख रुपया कर ले, उसके कितने दिरहम आ जाएंगे? 10,000 ना, 9,000 दिरहम आएगा। बस ठीक है ना मंगवा ले, ठीक किसी से मंगवा रहे फिर इधर ही मंगवा दो। ये चेक जो है ये भेज के किसी को जो बैंक से कैश करवा के ले। मेरे इस दांत में जो है ये 3 दिन से दर्द है और इतना बुरा दर्द है कि इसने मेरी चीखें निकलवाई हुई है। मैंने कहा कि फटाफट जो है वो मैं पहले दांत का करवा लूं, टाइम मिले ना मिले। यार मैंने दुबई से वापस आके ना सबसे पहले V8 मॉडिफाई करनी है। मैं कोशिश करूंगा इसको बड़े एलिगेंट वे में बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म की मॉडिफाई करें हम लोग। ये नहीं कि वो छपरी सी नहीं बना, जरा फिट सी कार के ना कलर शलर अच्छा इसका हुआ हो जैसे। मैंने एक रेंज रोवर रखी हुई थी इटली में और उसका कलर मुझे बड़ा पसंद था, मैं वो पता करता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो पिंडी इस्लाम बात की हो, मैंने बोला था काइंडली मुझे सजेस्ट करो, और इस चीज़ में अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो वेलकम। ये 4 दिन से मेरे दांत में जो है ना कोई बला का दर्द है, उसने मुझे अभी भी बताया कि आपकी विजडम वाली जो है ना वो निकल रही है और बड़ी टेढ़ी होके निकल रही है। मैंने कहा इसका मतलब है कि मैं उल्टी खोपड़ी वाला हूँ, आगे से हंसने लग पड़ी डॉक्टर साहब। तो ये है कि यार अभी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, मैंने उनको बताया, उन्होंने 4 दिन का अपॉइंटमेंट दी है, छोटा सा कुछ करना है। उन्होंने कह रही हैं कि जी आप जाओ जाके घूम फिर के आओ जहाँ पे आपने जाना है। मैं कहा कुछ दवाइयाँ शाइयाँ कुछ तो दो ना, उन्होंने दवाइयाँ शाइयाँ दी, अभी इंशाल्लाह ताला वो कंज्यूम करूँगा। 4 दिन उम्मीद है कि उसके भरोसे जो है मेरा टूर नहीं खराब होगा। यार अभी अभी पहुँचे हैं हम लोग। ओए बासुन ये सामने से थोड़ा सा एक रोटी और थोड़ा सा लंगर तो पकड़। सर जी गरीबों के लिए है? और गरीबों के लिए नहीं बच जाता थोड़ा सा ले आ। हाँ मुझे पता है मैं रोज देखूंगा कि हमारे नीचे ही दुख करते हैं ना ये सारे देखे वगैरह, थोड़ा सा ले आ खाते हैं दोनों भाई। लो जी भाईजान धर्म शर्म आ गए हैं। अभी तक कोई टिकट मेरे पास नहीं आई, तो जब तक नहीं आता तब तक एक अंदर चुल मुझे लगी हुई है। रात को 3 बजे की फ्लाइट आ रही थी, तो मैंने उसकी कन्फर्मेशन उनको दे दी थी आगे कि यार इतने बजे तक आप ये करवा लेंगे वाली जो आ रही है, लेकिन अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। वो शायद बिजनेस के चक्कर में पड़े हुए हैं क्या, वेल देखते हैं इंशाल्लाह ताला। लंगर खा लो, आ जाओ यार ये इधर लंगर शंगर आ गए, खाने तो आ जाओ मेरे साथ।
लंगर है भरी दा इमाम भरी दा अच्छा अच्छा नखरा नहीं करी दा ठीक है यार खाएं शुरू करें बिस्मिल्लाह करो यार बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह कॉफी पिएगा सर ये कड़वी होती काफी पीता नहीं है ना इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता बहुत मीठी है ट्राई करेगा जी सर वो ये ले ठीक तूने मैं कह दूं तूने वो छोड़ जानी है दूसरी कैपुचिनो पी जा बिस्मिल्लाह कर नहीं मीठी सर बहुत हॉट स्मेल है हॉट चॉकलेट है उसके अंदर ठीक यार तू आज जो मेरे साथ करने लगा था ना मैंने तेरी जिंदगी में कड़वाहट घोल देनी थी यकीन कर जा इन्हें मेरी पटक फिलिप की घड़ी फेंक दी इसने अंदर साईं ने शाम में घड़ी है क्या देखिए आप भाई कहते हैं तो ये घड़ी अगर गिर भी गया तो क्या हुआ मैं देख मेरी बात सुन तू भाई है अपनी जगह पे लेकिन अपनी ईमानदारी से बता तू 50 लाख का भी है ये ले ये पटक फिलिप दे दे तू ठीक है डन होगी लगाना चाह रहा है बेटा बंगाली अच्छा आप 5 बंगाली मिर्चें खा ले एक ही फक्के में ठीक है और अगले 5 मिनट तक तूने पानी नहीं पीना और मुंह नहीं टेढ़ा करना कर ले तुझे मैं ये पटक फिलिप दे दूंगा चल डन होगी और अगर ना हुआ तो चल पिज्जा कर ले पिज्जा कर ले आ ये जरा नॉन प्रैक्टिकल हो जाती है मैं तुझे क्यों दूंगा लेकिन ये पिज्जा कर ले अगर करना है तो करना है मंगवाओ जी मंगवाओ जी मंगवाओ मंगाओ मंगाओ जी बच्चा मान गया क्या हुआ है कॉफी पी के बंदा मान ये देख लो ये शाबाश अभी तो तू कह रहा था कि मैंने दुबई जाके रशियन सैलड खाना है ये बंदा कह रहा था कि मैंने दुबई जाके रशियन सैलड खाना है जो पाकिस्तानी एस्प्रेसो के साथ क्या हुआ मैंने कहा ओनली रशियंस कैन हील मी नाउ ओनली रशियंस कैन हील यू नाउ यस मैं दुबई जा रहा हूं पुतिन का नंबर दूं पुतिन पता ना कौन है खुश रहेंगे हे यू पाकिस्तानी व्हाट डू यू वांट चलो आ गई ले आयो जी सर 4-5 यार नहीं नहीं यार वो ये 5 नहीं खा सकेगा नहीं यार बच्चा है दो कर दो दो कर ना ना पूरी चूरा चूर खा जा है नाइस रख दे राइट पानी का ग्लास एक वैसे एहतियातन भर के रखो आहिस्ता लाल हो गया गोको को तो बीट कर दिया ना रिकॉर्ड टाइम टाइम हो गया सामने क्या 15 मिनट के बाद एक ही बार चीख मार ली ठीक है जो तुझे करना रहेगी बात सर वाह जी वाह चीख मार बच्चे पे जुल्म करते हो बेशर्मो छोटे बच्चों पे जुल्म करते हो उनको मिर्चें खिलाते हो नहीं नहीं वो अपनी जुबान के आज आज तेरी ये गलतफहमी दूर कर दो मंगा के दो यार इसको पिज्जा जीत गया बच्चा शर्म कर गोकू ओ बचा हो गया न्याणा हो गया त्रै मिर्चा खा गया तू एक में टेढ़ा हो गया था फिटे मुंह यार सारे अब्दुल्ला को थैंक यू तो बोल दो एटलीस्ट मिर्चे खाए असल में मैं चाह रहा हूं मैं किसी का हक वो ना हो ठीक है दो तेरे दो तेरा दो मेरा ठीक है तीन तेरा उसके बाद तीन कोई टेंशन तो नहीं नमी कौन खुश गया जमाना खुशबाश असीपुर बाश कशान भाई थैंक यू सो मच वी लव यू यार गोकू चला गया था बाहर किसके साथ फिल्म हुई है यार ये की ज्यादा तो ना कर यार ये क्या बात है यार यार क्या मतलब फुल पड़ा हुआ यार ये गलत है यार अब ये सबके पास जाएगा एक एक स्लाइस खाएगा ये तो यार सर हमें पिज्जा खिला के चलेंगे दुबई और अल्लाह पाक उनको खैरियत से पहुंचाए दुबई और बहुत मजे मजे का दुबई का कंटेंट आने लगेगा आप लोगों के लिए इसी अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे मिलते हैं तो दुबई जा रहा था क्या हुआ सर वो बस खत्म कर रहे थे ना इसी बात में अच्छा अच्छा सॉरी वो मैं बिहाइंड द कैमरा वो पिज्जा खा भी गए हम लोग